से यहां पर सुरक्षा बल के जवानों ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। एलओसी के पास तंगधार में ये हथियार मिले हैं, 3 AK-47 और 4 पिस्टल सुरक्षा बलों ने बरामद की है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से, जहां पर सेना और पुलिस ने साझा अभियान चलाया और भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। रिफत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। रिफत, यहां पर सेना और पुलिस का ये साझा अभियान था जिसमें बड़ी संख्या में हथियार मिले हैं। जसप्रीत, जिस तरीके से आपने देखा, ये जो है सामान रिकवर किया गया है उसमें 3 AK-47 राइफल्स, 9 पिस्तौल और मैगजीन्स जो हैं वो बरामद किए गए हैं। और ये लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब का एरिया है, टंगडार में पड़ता है कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और आपको मालूम है कि लगातार सर्च ऑपरेशंस लॉन्च किए जा रहे हैं आर्मी की तरफ से और पुलिस भी उसको सहयोग कर रही है। और ये देखा जा रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द कहीं पे सामान तो नहीं है। ऐसा समझा जा रहा है कि उस पार से सामान जो है इस पार भेजा जा रहा है और उसके बाद जो है ये सर्कुलेट किया जा रहा है या ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है अलग अलग जगहों पर। लेकिन आर्मी ने पिछले 2-3 महीने से वहां पे सिक्योरिटी बढ़ा दी है और सर्च ऑपरेशन लगातार फॉरेस्ट एरिया में किए जा रहे हैं और उसका ही नतीजा है कि आज भी भारी मात्रा में जो है ये सामान बरामद किया गया। जी रिफत, तो रिफत हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। अब बात यास तूफान से हुए असर की। कोरोना के समय में इस तरह का अगर जलजमा होगा तो संक्रमण बढ़ने का बिल्कुल ही खतरा बहुत ज्यादा होगा। एक्सरे जहाँ होता है वहाँ घुसा हुआ है, ओटी में घुसा हुआ है, हर जगह पानी घुसा हुआ है। तो इसका कोई प्रशासन का ध्यान है ना, तो कोई मेडिकल वाले जो हॉस्पिटल वाले हैं किसी को ध्यान नहीं है। बंगाल और उड़ीसा में तबाही मचा चुके यास तूफान की मार अब बिहार में भी पड़नी दिख रही है। यास तूफान की वजह से बिहार में हो रही भारी बारिश बिहार के ज्यादातर जिलों में आफत का सबब साबित होने लगी है। पटना, दरभंगा, हाजीपुर और गया में तो बारिश की वजह से अस्पतालों में सैलाब जैसा नजारा दिखने लगा है। पानी भरने की वजह से अस्पताल अब तालाब जैसे नजर आ रहे हैं और अस्पतालों में पानी इतना भर चुका है कि दवाएं और दूसरे जरूरी सामान तैरते दिख रहे हैं, जिसकी वजह से इलाज के लिए भर्ती मरीजों को पानी से बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। तो 6 तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देखिए किस तरीके से जो अस्पताल हैं वो पानी पानी हो गए हैं और कुछ घंटों की बारिश के बाद जो यास तूफान का असर है वो यहां पर देखने को मिला। और इसके बाद आप देखिए बिहार के कटिहार में वार्ड में पानी घुस गया, दरभंगा में अस्पताल के अंदर पानी है और पटना में आप देखिए जो जरूरी दवाइयां हैं, दस्तावेज हैं, वो तैरते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार के हाजीपुर का भी हाल यही है, आईसीयू वार्ड में पानी भरा। और इसके अलावा गया की तस्वीरें आप देखिए और पश्चिम बंगाल के मालदा में तो मरीज किस तरीके से बेहाल है ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। तो सबसे ज्यादा जो यास तूफान का असर है वो हुआ है पश्चिम बंगाल में और उसके बाद बिहार में भी असर देखने को मिला है। और बारिश से पहले, मानसून से पहले ही जो सरकार की तैयारियां हैं मानसून को लेकर के, उसकी पोल खुल चुकी है। तो सबसे चौंकाने वाली तस्वीरें हैं यास तूफान की मार किस तरीके से पड़ी है, यह आप देख रहे हैं।